टाइटैनिक उस वक्त रिसेंटली रिलीज हुई हुई थी, सबकी फैंटेसी होती है उस शिप पे चढ़ना, तो मैं भी खड़ा हुआ वहां पे केट विंसलेट के पीछे मैं थी ना, उससे मैं बड़ा रोमांस किया। समझौता एक्सप्रेस भी बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो, उसमें मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मैं पूजा कर रही थी, साड़ी को आग लग गई। मेरा कम बैक हुआ, 22 ईयर्स मैंने काम नहीं किया। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने इनका प्ले किया जिसका नाम था कमरा नंबर 5। वाह, और उसके बारे में आप बताइए जरा। कमरा नंबर 5 में एक तो जिस तरह ये प्रोसेस की बात मैं आपको बताऊं, हमने रिहर्सल की थी। की थी। मैं हमेशा बनाए डायरेक्ट ना, आई मेक इट अ पॉइंट कि हम बेसिक्स को कम से कम ठीक लेके जाए। तो वो रिहर्सल्स और डिस्कशंस जो, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ जब, और खुद एक्टिंग की भी हो तो वो मुझे एडवांटेज रहता है कि मैं वो लिंगो भी समझता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये डिस्कस करके करूँ। इनका वाकई वो बड़े अरसे बाद इनकी कमबैक थी और वो इतना अच्छा, मैं इसमें पागल थी। एक उसमें सब वो जगह पे सारे पागल होते हैं, उसमें मैं एक पागल थी। और उसमें मैंने ना जो टोन बनाई थी मैडम नूरजहां की बनाई थी और उसमें वो टोन थी ना केचप वेचप करने वाली, और वो थी टोन बड़ी क्यूट। और उसके बाद एक एक मुकालमा हो जाना, सीरियसली भूल गया ना, हां पता नहीं भूल गया मुझे, लेकिन वो एक वो मास्टरपीस है। उसमें से एक इनका, इन्होंने जो एक और चीज़ बनाई थी उसमें, उससे तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई। टाइटैनिक का जो था ना, मैं उस पर आशिक थी जैक पे। मैं कितनी जैक जैक करती रहती थी हर वक्त। तो वो जो जैक था उसका मैं सोचती हूँ कि मैं चली गई हूँ ना उसमें, और वो पूरा शिप का जो सीन नहीं था वो इन्होंने पूरा मेरा जैक के साथ बनाया एडिट में। देखिए कमाल बात नहीं, ये प्ले था 1950s में लिखा हुआ था। It was written by my grandfather, Sayyid Imtiaz Ali Taha. ये जरूरी बात है। वो एक बहुत बड़े प्ले राइट थे और उनका कमाल ये था कि वो हर जॉनरा को अच्छा लिखते थे, चाहे ट्रेजिडी हो चाहे कॉमेडी हो। तो वो उन्होंने कमरा नंबर 5 एक स्टेज पे था लिखा हुआ था। मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैं उनकी चीज़ों को ड्रामेटाइज करूँ टेलीविजन के लिए। तो वो स्क्रिप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग थे और वो मैं उसमें से कुछ पुराने जमाने की सेटिंग में कर रहा था, कुछ आज की सेटिंग में कर रहा था। ये कमरा नंबर 5 मुझे ख्याल है आज की सेटिंग में करता हूँ, और अगर आज की सेटिंग में करता हूँ तो फिर तो इमेजिनेशन आज की चीजों में जा सकती है। टाइटैनिक उस वक्त रिसेंटली रिलीज हुई हुई थी, सबकी फैंटेसी होती है उस शिप पे चढ़ना, तो मैं भी खड़ा हुआ वहाँ पे केट विंसलेट के पीछे। मैं थी ना, उससे मैं बड़ा रोमांस किया। इन्होंने जैक निकल्सन के साथ, नहीं जैक निकल्सन कह रहा हूँ, क्या लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बहुत रोमांस किया। वो पूरा था बड़ा अच्छा, सब बाल मेरे उड़ रहे हैं उस तरह ही, क्या मतलब सीन था वो, कभी इनको भेजिएगा। और मैंने अपने घर के लाउंज में शूट किया एक्चुअली। मैं हैरान जब रिजल्ट देखा तो, उस वक्त लोग यूज नहीं कर रहे थे, राइट, बहुत कमाल था वो। उसके बाद मैंने अली के साथ एक और बड़ा अच्छा काम किया था। अली वो बताइए, वो जो हम गए थे, वो तो याद भी नहीं है ना मुझे। नहीं मुझे तो याद है, मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था, उसमें मेरे नजदीक अस्मा की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से है वो, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक परफॉर्मेंस थी। अब कई जगहों पे वाकई जब आप कहते हैं ना एक्शन और एक्टर एक्ट करना शुरू होता है तो आप जाहिर उसे देख रहे होते हैं एज ए डायरेक्टर, और कई दफ़ा मुझे वाकई लगता था कि ये तो फील कर रही है भाई, ये वाकई फील कर रही है, ये एक्टिंग नहीं हो रही है। और उस वक्त शायद कुछ ऐसे मामला थे भी वैसे, हमारा एक बहुत बड़ा उसमें हादसा हो गया था। हम किला वहाँ पे थे ना, रोहतास, वहाँ गए थे शूट के लिए। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, हाँ वो एक और है। समझौता एक्सप्रेस भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो, उसमें मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मैं पूजा कर रही थी, साड़ी को आग लग गई। ओ माय गॉड, कितने 500 बंदा होगा जो कि सब यूं खड़े थे और साड़ी को आग लग गई, और कैसे बचाना था और क्या करना था, क्योंकि वो भाग तो भड़कती कॉटन की साड़ी, ओ पल्लू से आग लगी जो शुरू हुई तो यूं खींची, कैसे ऊपर चादरें डाली, क्या कुछ हुआ और वो साड़ी जल गई थी। वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन जिसकी ये बात कर रहे हैं उसका नाम था रंग, वो यूट्यूब पे है ही नहीं।